ध्यान से देखी सब लोग, ये आधा टूटल रुद्राक्ष के मालक केहू और के ना बल्कि यही परिवार में से केहू एक सदस्य के बा। अगर रउआ लोग आपन आपन रुद्राक्ष के माला वापस कर देले बानी, तभी आधा टूटल रुद्राक्ष के माला कैसे मिलल हमरा के? अगर अबहियो क्योंकि शक बाना तो लिही एकरा के ध्यान से देखी रउआ सब, देखी ई माला में से आधा टूटल रुद्राक्ष के माला गायब बा। लेकिन आधा टूटल माला में से जोन उपाध्याय परिवार के चिन्ह रहे यू गायब बा। हमके तो लगा था कि वो आधा टूटल हिस्सा वही माला में ही रह गई हुई, और हमरा के शक ना पूरा विश्वास बा कि आधा टूटल रुद्राक्ष के माला ये परिवार में से केहू एक जन के पास बा, और ये ही घर में बा वो आधा टूटल रुद्राक्ष के माला। तोहरा के गलत फहमी हो गई बा रितु, तोहरा के जहाँ से रुद्राक्ष मिलल वहाँ तो हमनी में से क्यों नहीं खे गई, फिर रुद्राक्ष टूट के गिरे के सवाले नहीं खे हो। हाँ भाभी, बड़की माई एकदम सही कहता नहीं। हाँ भारतु, रुद्राक्ष केहू और के बा। हाँ भाभी, हमनी सब तो मंदिरे के पास जानी जा, तब फिर रुद्राक्ष ओहिजा कैसे पहुँच जाये? हाँ रितु, तुम किसी और का रुद्राक्ष उठा लाई हो और फालतू ही हम लोगों पे शक कर रही हो। जब तक दोषी पकड़ नहीं खे जाए तब तक हमरा के सबका ऊपर बराबर सख्त करही के पड़ी। रउआ लोगन में से के झूठ बोलता ई तो पता नहीं खे, लेकिन सब लोग सच नहीं खे बोलत ई जरूर पता बा हमरा के। देखी हम केहू के ऊपर आरोप नहीं खी लगाओ, हो सकेला कि रउआ लोग हमरा के खोजे खातिर जंगल गई हो और वही जाई रुद्राक्ष के माला गिर गई होके, और फिर ओकरा के कोनो जंगली जानवर वो जगह पे पहुंचा देले हुई जहां हम बेहोश पड़ रहनी। ए तरह से हमने के परिवार के रुद्राक्ष के माला जमीन पर गिरल मिलल शुभ निखे ना, यही से हम सोचनी है कि ये बात हम रउआ सबके बता दी। चवन केहू भी दोषी बा खुल के सामने त ना आई, लेकिन हमार ये बात से घबरा जरूर जाए। जोन तू बात कहत रहो संभव नहीं है, कहे से कि हमने ये घर में जे जे भी रुद्राक्ष के माला पहने रहे वो सब उतार के माई के दे दिलस रखे खाते। अब तो सवाल नहीं के उठत कि हमने ये घर में से सदस्य के रुद्राक्ष के माला हवे, हमारा के तो नहीं लगा थी केहू के हमनी के बीच में से रुद्राक्ष जंगल में गिर जाए। हम अच्छा से पहचानत नहीं कि टूटल रुद्राक्ष के माला ये परिवार में से ही केहू के बा। हम एक काम करते नहीं, जनामा जी रुद्राक्ष के माला रखले बानी, हम ओकरा के लेके आओ तनी, और ओकरा के गिनती कर लिया जाए तो खुदे दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। अरे रितु। हाँ भाजी। वो रुद्राक्ष के माला कहाँ रखल बा? हम देता नहीं। ठीक बा, रुवे दी। तू चला, हम लेके आ बतानी। कौन बात ना मजी, रुवा आराम से दी, संग ही चले के। अच्छा चलिए अम्मा जी, तू चला, हम आवता नहीं। ठीक। ये देखी इरज्जो चाची के, और ये है संगमित्रा के। ये गोपाल के,
ई मिथलेश के। अम्मा जी के। ईबा प्रीति के। और ईबा नागेश के। तभी के कर ये को कैसे बच गए? अरे भाभी एगो रुद्राक्ष तो पहले ही से ज्यादा रहे ना, रवे तो देले रहनी हमरा के भोला जी जी के देवे खातिर, ई हुए रुद्राक्ष हा। ई धागा के रुवा भोला जी के हाथ में बांध दे। हाँ रितु, अगर देखा जाओ तो जितना रुद्राक्ष बेल रहे हैं तो सब रुद्राक्ष घरे आ गए, और सबसे बड़ा बात ई कि हमने के उपाध्याय परिवार के वो यू के चिन्ह भी बनल रहे। अब तो तू संतुष्ट बढ़ू ना रितु। और हम तो एक एक माला गिन के रख ले रहे, अगर एक को माला गायब रहत तो हम खुदे कहती रितु। देखा रितु, ये जौन माला तोहरा के मिलल बा ना, ये आपन परिवार में से केहू के नहीं खे, ये जरूर केहू और के माला बा। हाँ चौवा लोग के हम गलत साबित नहीं की कही चाहत, बाकी अब ही हमरा के ये लगा था कि इस टूटल रुद्राक्ष के माला यही परिवार में से केहू एक इंसान के बा। रितु तू कौना आधार पर कहता रू कि जो रुद्राक्ष के माला बटे ये हमने के परिवार के बाद, और तू साबित का कल चाहता रू, साबित कौन सी कल चाहता रू कि जो माला बटे जो टूटल ये हमने के परिवार के सदस्य में से एक होगा, तू गलत साबित कल चाहता रू हमने के। तारा जौन कुछ भी कहे का बटे ना, साफ साफ कहो, खुल के कहो सबका सामने। हम ये कह चाहते नहीं कि हो सकेला कि हम गलत बानी, लेकिन यह तो हो सकेला ना कि ये परिवार में से केहू के रुद्राक्ष के माला टूट के गिर गई होके, और फिर वो रुद्राक्ष के दूसरे माला बनवा के इस सब माला में मिला के रख देले होखी ताकि क्यों के पता ना चले। कोई मनगढ़ंत बात काहे खातिर करत रही तू? अरे हमारा घर के सदस्य के लोग ऐसा आखिर काहे खातिर करी हन, तारा समझ में नहीं आवत? बिल्कुल कर सकेला मिथिलेश, काहे कि जॉन भाई उ तब शगुन बाना, और केहू अपशगुन के जिम्मेदारी अपने ऊपर काहे ली ना ली। तू मिला जुला के ई कहल चाहत रू ये घर के सदस्य में से केहू एगो ऐसा आदमी बटे जोन तारा से झूठ बोल रहा बा और सबके सामने झूठ बोल रहा बा, ये ना? हाँ। हम भगवान भोलेनाथ के व्रत रख ले बानी, ऐसा में हम भगवान भोलेनाथ की निशानी रुद्राक्ष के माला के अपमान कैसे कर सकेंगे? अम्मा जी हम घर के कोना कोना में रुद्राक्ष के माला के खोजे, हमरा के पूरा विश्वास बा कि आधा टूटल माला ये घर में ही कहीं होई, और अगर मिल जाए ना तो ओकरा के ला के हम ई माला में जोड़ के गंगा जी में विसर्जित कर दे, इस तरह से अपशगुन भी मिट जाए और हमने के पाप से भी बच जाए। जाए हमरा के पता बा कि हमरा ई बात से रउआ लोग में से जे भी दोषी बा वो अंदर से ये समय कांपत हुई, हम दावे के साथ कह सकेनी कि आज रात ओकरा नींद भी ना आई। ये तो बस शुरुआत बा, जौना दिन वो इंसान हमरे पकड़ में आई हम ओकर नींद और चैन हमेशा खातिर उड़ा दे। हे भगवान हम जाना तनी कि हम जौन कुछ भी कहने ओकरा बाद हमारा जीवन और संकट में पड़ गई बा, जेकरा भी रुद्राक्ष की माला के राज खुले के डर बाना वो हमें जान लेवे के कोशिश जरूर करी, कुछ भी हो सकेला, बाकी हमरा के पूरा विश्वास बा रउआ पर कि जैसे रउआ हमरा के खाई में गिरला के बावजूद भी हमें जान बचाई वैसे ही आगे भी बचाई, अब यह रास्ता बा वो पापी के सबका सामने लावे, और राउर आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी वो पापी के बेनकाब कर दे जो हमें जान लेवे की कोशिश करी। हम जानते नहीं भगवान कि घर में सब क्यों गलत नहीं खे, बाकी एक इंसान तब बा जो दोषी बा, और जब तक हम वो दोषी तक पहुंच ना जाए हमारी रक्षा करी भगवान। हमार जान के खतरा इस घर में केहू से भी हो सकेला, बाकी वो पापी के सामने लावे खातिर हम कोनो खतरा मोल लेवे खातिर तैयार बने,
रुवा अपन आशीर्वाद और कृपा हमारा पे बनाए रखे। मिथिलेश, जब तक हमारा व्रत बात तब तक रुवा के अलग से देखे पड़ी। रुवा बुरा तो ना मानम ना। अरे ना ना रितु, मैं बुरा वाली कौन बात बटे, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमरा के कौन और ही बात से बटे। मतलब कुछ समझ रही ना तू, हमारा घर परिवार वालों लोगों के ऊपर इतने बेमतलब के सबके नजर से देखा तू, ये ठीक नहीं है ना। जब हमारा के ये बात के इतना बुरा लगल तो तू सोची है कि हमारे घर वालों लोगों के कितना बुरा लगल और हम लोग का सोचते हैं। तारा के वहाँ लोगों से कोनो भी बात करे से पहले सोच समझ के बोलल चाहत रहल है। हमारी इरादा गलत नहीं है और ना ही हम बिना वजह केहू पे शक करते हैं। हम तो बस अपन परिवार के अपशगुन से बचावते हैं। रुआ, ये बात खातिर हमारा नाराज कैसे हो सके? हमारी नाराजगी एकदम जायज भरे तू। मरक तई नहीं के समझ में आवत कि तू हमारे घर वालों लोगों के ऊपर ऐसा आरोप कैसे लगा सके। ना लगा सके। और जहां तक ले बात रहल सगुन और ये अपशगुन के, तो तू ये बात के खूब बढ़िया से जाना जरूरी तू कि तारा से ज्यादा अपशगुन के चिंता करे वाला लोग बड़ा नहीं घर लागत। तब रुआ हमारी इरादा के समझ ही ना पाई। अगर समझती ना तो ऐसा बात ना करती। अच्छा तो गौरी बात सुन ले, जौन कुछ भी बोला तरुणा हम अपना मन से कुछ और जोड़ के नहीं बोला तारा के। जौन तू बोलू हा वह हम तारा से बोला तनी। और तो हमार माई के ऊपर भी तारा के विश्वास नहीं है। हम मामा जी के का कहानी, मामा जी का कहानी, माई जब हमार रुद्राक्ष की माला एक के गिन के रख दिया तो तू जाके ओकरा के फिर से दोबारा ओकरा के गिनल। एकरा मतलब हम का समझी? बोल ले। हमरा के जंगल में टूटल रुद्राक्ष के माला मिला। अच्छा, तब मैं ही से सब माला के गिननी की पता चल सके कहीं एको को रुद्राक्ष कम तो नहीं थे। इस सब तहार बहाना है रे, सब बहाना। हमारा घर वालों लोगों के ऊपर तारा शक रहे, तू विश्वास न करू, यही से तू एक रुद्राक्ष की माला गिनल। और तो और तू नकली रुद्राक्ष की माला बनावे के आरोप लगेल। हमारा के तो यही नहीं बुझात केहू अपना घर के आदमी केहू रुद्राक्ष की माला जंगल में कहीं खातिर फेंक के। जौन कुछ भी तू अपना मन से मनगढ़ंत कहानी बना रहा बड़ू ना, हमारा के ऊपर कोनो विश्वास नहीं है ना। हमारे के तो बुझाते नहीं। ठीक कहानी मिथिलेश, जान बुझ के केहू रुद्राक्ष की माला जंगल में ना फेंके, बल्कि जौन इंसान हमरा के खाई में धक्का दे ले रहे, अनजाने में ओकर रुद्राक्ष के माला टूट के हमरा हाथ में आ गई रहे, ई बात तो खाली हमरा के पता बा कि ऊ इंसान ओहिजा हमर जान लेवे खातिर आयल रहे। और जब तक हम ओ इंसान के पता नहीं खी लगा लेत, तब तक ई बात हम केहू के ना बताई। मित्रा के कमरा से तम स्टोर रूम के चाबी अपना लगे ले लो। अब हम स्टोर रूम खोलबो करब और में जइबो करब। देखा तो नहीं कि मित्रा हमरा के कैसे रोकत है।
हमरा के तो उम्मीद रहे कि जे हमार जान लेवे के कोशिश कैले रहे आज रात बस उहे बेचैन रही, लेकिन यहाँ तक सबकर नींद और चैन उड़ गई बा। जब से हम काल सवेरे पूरा घर में रुद्राक्ष की माला के आधा टूटल हिस्सा ढूंढे के बात कैले बानी, तब से माना जैसे सबकर नींद उड़ गई बा। सब केहू चिंता में डूब गई बा कि कहीं काल हमरा के रुद्राक्ष टूटल माला के दूसरा हिस्सा न मिल जाए। लेकिन ए समय सबसे ज्यादा चिंता और डर वही इंसान के हुई जे हमरा के खाई में गिरा के जान से मारे के कोशिश कैलस। हमरा के पता बा कि वो इंसान हमरा के रोके खातिर आज रात हमरा के फिर से जान से मारे के भी कोशिश कर सकेला, पर अगर हम उकरा डर से छुप जाए ना, तब उकर चेहरा सबकर सामने कैसे आई। अगर उकरा के रंगे हाथ पकड़े के बा तो हमरा के अपना जान की बाजी लगा ही के पड़ी। बहुत ही प्यास लागे, रसोई से पानी पी लेता नहीं।